चाचौड़ा निवासी स्वयं सहायता समूह की सिलाई सुपरवाइजर ममता मीना का आरोप है कि आजीविका मिशन में 7.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं जिम्मेदारों से बात तक करने नहीं दी जाती और बात की जाती है तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। स्वयं सहायता समूह की सिलाई सुपरवाइजर महिला का आरोप है कि अमन एंटरप्राइजेस के द्वारा घटिया क्वालिटी का कपड़ा महिलाओं को गणवेश तैयार करने के लिए दिया गया, जिसको बच्चे पहनने से इनकार कर रहे हैं। वहीं महिलाओं का आरोप है कि 500-500 प्रत्येक महिला से रिश्वत भी ली गई है। वहीं महिला ने ये इन सब की शिकायत गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल तथा चाचौड़ा SDM एवं पंचायत मंत्री से भी की, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिलाई सुपरवाइजर ममता मीना ने एक आवेदन चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह को सौंपा और उसमें कहा कि इस मामले में विधानसभा में सवाल उठाएं और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करवाएं। ये ना आजीविका मिशन का है गणवेश वाला, इसमें ना बच्चों की ड्रेस बनती है, गवर्नमेंट की तरफ से जो बच्चों की ड्रेस बनती है उसकी ड्रेस बनती है। इसका कोटेशन लेने के लिए महिला जाती है, समूह में पैसा आता है, कोटेशन लेने के लिए महिला जाती है, पर इस बार हुआ ही नहीं है। ना तो महिलाओं को कोई जानकारी थी, ना महिलाओं को कोटेशन लेने के लिए का, जो किया अधिकारियों ने किया, कब किया, कैसे किया, भगवान जाने, इसका कोई पता नहीं। जब पूछा तो टेंडर वाला हमको गाली गलौज दे के चला गया। मिलाया दीपक भदौरिया को, ये पता नहीं कहाँ का है, कोई कहता है ग्वालियर का है, कोई कहते हैं इंदौर का है। आज तक हमने अभी तक इनकी शक्ल ही नहीं देखी, ना हम मिले। कपड़ा इसका वो थर्ड क्लास का है, इतना बेकार है कि ये ना घर में बाइयाँ पोछा भी नहीं मारती जो इनने बच्चों को स्कूल की ड्रेस पहना रहे। मैंने 19 अप्रैल को मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्शन उठाया था। मैं थाने गई हूँ, थाने में आवेदन दे के आई हूँ, SDM साहब के भी गई हूँ, कलेक्टर साहब के भी गई हूँ, खुद पंचायत मंत्री के पास भी मैंने आवेदन दिया है, पेपर में भी निकला था, पर आज तक कोई उसका निर्णय नहीं हो पाया। हमने बोला इसको कपड़े को रुकवा दो तो नहीं, जो इनके बीच के जो दलाल थे इन्होंने, हमने बहुत बोला कपड़े को रोको, प्रोडक्ट रोको, नहीं रोका। इन्होंने टेलरों पे सिलवा के और कपड़ा मतलब ड्रेसों को है ना बढ़वा दी। क्या बच्चे अभी कपड़े पहन लेंगे? बच्चे फेंके फिर रहे, कोई पहन ही नहीं रहा। उनके अभिभावक हमारे ऊपर आते, मैडम ये कैसी ड्रेस है, अब हम क्या कहें। आजीविका मिशन का बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है और इसको हम पार्टी स्तर पर उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे, और जब तक इसमें कार्रवाई नहीं होगी इसको उठाते रहेंगे।